लेके जाते हैं। जोरदार तालियां हमारे विकास जी के लिए। सर हम कर लीजिए, इसके बाद हम कल्चरल लेंगे, कोशिश हमारी आधे घंटे में कल्चरल गेम खत्म करेंगे। सर क्या है धीरज सर, आप जहाँ भी आवाज सुन रहे हो प्लीज मंच पर आ जाएं। हमारे लिए आए धीरज सिंह सर, संजय सर, सुब्रम है, मलका है, सारे जजेस। बच्चों मेरा नाम विकास है और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक साइंस शो दिखाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक लिक्विड है, मैं कोई फॉर्मेलिटी में वक्त नहीं ले रहा हूँ। उस लिक्विड की कुछ खासियत है, इसको आप देखिएगा। बच्चों ये ऐसा लिक्विड है कि जैसे ही हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं जो फौरन ही इवेपोरेट कर जाता है, मतलब भाप की तरह उड़ जाता है। अब इसमें देखिए हमारे पास कुछ पत्तियां हैं, मतलब विज्ञान है ये, और विज्ञान ही जादू भगवान विज्ञान है। जो जादू आप समझते हो वो जादू नहीं है, वो विज्ञान है। केवल उसका विश्लेषण कैसे करते हैं वो विश्लेषण आपको करना है। आज ये साइंस सिटी लखनऊ वाले दिखा रहे हैं आपको विज्ञान पर आधारित जादू और जादू पर आधारित विज्ञान। सर अगर उसमें हाथ डालेंगे तो क्या होगा? सर बच्चों आप देखिए इसकी खासियत, मेरे पास ये पत्तियां हैं, आप जानते हैं किसकी पत्तियां हैं? ये एक पेड़ होता है कदम। अब हमने इन पत्ती को इसके अंदर डाला, आप देखिए इन पत्तियों का क्या हाल हुआ। सारी की सारी पापड़ बन गई। फिर से देखिए नॉर्मल पत्ती है, हमने इसको इसमें डाला, देख रहे हैं आप लोग, और ये पत्ती है पापड़ बन गई। आप बच्चों ये बताइए इसका उपयोग कहाँ आप कर सकते हैं? मान लीजिए घर में सोया धनिया मेथी इस तरह की चीजें काटती हैं, उसको आप डिप करिए और क्रश कर दीजिए, काम आसान हो जाएगा। अच्छा अभी देखिए ये हमारे पास कुछ फूल है, फूलों को हमने इसमें डाला, इन फूलों को इसमें डाला और ये देखिए एकदम पाउडर हो गए, एकदम पाउडर हो गए। अब बच्चों इसकी खासियत बता सकते क्या है? ये बहुत ठंडा है, ये बहुत गर्म है, ठंडा है, कितना ठंडा है? -0 नहीं, -10 नहीं, -100 नहीं, ये है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ठंडा है? जो भी चीज इसमें डालते हैं उसमें अगर जरा भी पानी होगा तो वो बर्फ बन जाएगा, और उसे हम जैसे ही थोड़ी सी ताकत लगाएंगे तो वो पाउडर फॉर्म में। अब बच्चों मेरे पास एक गुब्बारा है, मैंने इसमें डाला और इसको बंद कर लिया। इसमें ये देखिए गुब्बारा इसमें चला गया, अब बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अब बच्चों एक और गुब्बारा लिया मैंने, इसमें दूसरे गुब्बारे को भी मैंने इसमें डाल दिया। क्या हो गया? गुब्बारा फट गया? क्या कहते हैं आप लोग, क्या हुआ होगा? गुब्बारा फट गया या ढल गया? क्या हुआ? ढल गया या पिचक गया? क्या हुआ? कितने बैलून इसके अंदर गए? तीन, तीन, ये चौथा भी नहीं गया। अच्छा हो क्या रहा है कोई बताना चाहेगा? जोर से हाथ ऊपर करके, क्या हुआ?
हाँ बोलो बेटा क्या हुआ होगा। चलिए ये कौन कहते हैं, देखिए ये भी चला गया। बच्चों आप लोग अच्छा बैठिए। तो बच्चों क्या हुआ होगा कोई अंदाजा लगा सकता है? हाँ बोलिए बेटा। अब इन गुब्बारों को हम बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या हुआ होगा। निकाले बाहर, चलिए देखिए ये गुब्बारे एकदम वापस उठ गए। देखिए एक, ये दो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, आप बच्चों देखिए ये ऐसे गुब्बारे हो गए। लेकिन ये जब ठंडा हुआ तो पिचक गया। धीरे जैसे ही हमने इसको हिला दिया
बॉल बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए दो तरह के देखते हैं, बॉल बड़ा हो जाएगा एक तरह और एक तरह छोटा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ है हमारी बॉल के साथ में। बच्चों ये देखिए, बॉल तो उसी साइज का है लेकिन टूट गया। बच्चों ये टूट गया, क्यों टूट गया? क्योंकि रबर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, रबर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने पास पास आ जाते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास शायद से 1 मिनट बचा है। एक आखिरी एक्सपेरिमेंट और देखिए, आप बढ़िया सा थोड़ा सा आधा लीटर लिक्विड नाइट्रोजन ले लें और इसमें गर्मा गर्म अगर पानी डाल दो तो मजा आ जाए, है ना? देखना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट? कितने लोग देखना चाहते हैं? सभी लोग, वेरी गुड। चलिए दिखाते हैं हम, ये लिया हमने लिक्विड नाइट्रोजन और उसमें डाल दिया गर्मा गर्म पानी। तैयार रहिएगा आप लोग, देखिए तो बच्चों ये छोटा सा हमारा शो था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा। बच्चों ये आपसे वादा है कि अगर आपने अगली बार भी हमें बुलाया जाता है तो हम नए एक्सपेरिमेंट के साथ में और दूसरे दोस्त के साथ में आएंगे। आप लोगों ने हमारा ये प्रोग्राम देखा सर, बच्चों का सवाल है पानी भरा वाटर डालेंगे तब क्या होगा? तो बच्चों इंस्टेंट फ्रीज हो जाएगा, घर बन जाएगा सर ये वाटर। अब बच्चों अभी तो लिक्विड नाइट्रोजन निकल गई है इसमें से, अब लिक्विड नाइट्रोजन इसमें निकल गई है, अब ये केवल ठंडा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो हमने पानी डाला है तो बस बन जाएगी इसकी। तो बच्चों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जैसा भैया भैया जो जाता है यहाँ, बच्चों एक सवाल बताइए, हमने जो आपको 10 मिनट में शो दिखाया, जो एक्सपेरिमेंट दिखाया, आपको कैसा लगा? क्या जवाब? तो बच्चों अगले साल फिर आप ऐसी प्रदर्शनियों में भाग लीजिएगा तो उसमें और भी आपको बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स और साइंस को देखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सर, एक बार जोरदार तालियां।